मंत्री जी, एक सेकंड, आज जो आपका सपना था ये पूरा हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, जैसे कार्यक्रम है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, ये वो स्थान है जहाँ तत्कालीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का तिरस्कार किया था, उनको अपमानित किया था, और वो हिंदुस्तान का शेर जब उसके दरबार में दहाड़ा था तो वो दहल गया था, और दहलने के साथ ही उसने उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। तो आज इस उसी स्थान पर उनकी जयंती का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम नहीं उस शौर्य का नमन है, ये कार्यक्रम नहीं है उनके उस दहाड़ का वंदन है जो यहाँ पे कर रहे हैं ठीक उसी स्थान पर। और अब जो उनके जहाँ वो कैद किए गए थे मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह की कोठी, जो आजकल मीना बाजार की कोठी करके जानी जाती है, वहाँ पर भी सैद्धांतिक रूप से माननीय योगी जी सहमत है कि वहाँ पर एक भव्य स्मारक, दिव्य स्मारक बनेगा, जो एक पर्यटक स्थल भी होगा और प्रेरणा स्थल भी होगा। म्यूजियम का नाम बदल के वो भी उसमें भी कार्रवाई चल रही है कि वो भी आगे बढ़ेगा और उसका कॉन्सेप्ट पहले तैयार हो, क्योंकि अब तक मुगल एम्पोरियम नाम था और मुगल एम्पोरियम के नाम से कॉन्सेप्ट था, अब चूंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से होगा, कॉन्सेप्ट बदला है कि प्राचीन आगरा से अर्वाचीन आगरा तक का इतिहास उसमें जोड़े, तो वो कैसे जुड़ेगा एक बात तो ये, क्योंकि मुगलों से पहले भी आगरा था, मुगलों के बाद भी आगरा था। ये दो राज्यों की शुरुआत की है, दो राज्यों की संस्कृति, इसको क्या ये आगे रेगुलर रखेंगे इसको या क्या? ये मात्र एक आयोजन नहीं है, ये महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश को उसकी संस्कृति को, उसकी राजनीतिक सभ्यता को मिलाने का एक प्रयास है।